आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फिर हिरासत में लिए गए दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। सेना दिवस पर थल सेना प्रमुख आज परेड की लेंगे सलामी, पहली बार नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखेगी झलक। बेहद खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की वायु गुणवत्ता, 340 दर्ज किया गया एक UI। पीएम मोदी आज 150 से ज्यादा स्टार्टअप कारोबारियों के साथ करेंगे बातचीत, इनोवेशन से राष्ट्रीय जरूरत को पूरा करने पर होगा जोर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कर रही अपनी जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव के लिए आज कर सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। खबर गढ़मीरपुर से है, जहां कांग्रेस यूथ कार्यक्रम का आयोजन राजपुर गांव में किया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव महबूब आलम ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर लोग बसपा और भाजपा को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रही है, जबकि ये सब देखकर लग रहा है कि कांग्रेस उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। विजेंद्र भाई हमारे बीडीसी का चुनाव लड़ चुके हैं जो गढ़ से, उनके साथ में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का परिवार बढ़ाते हुए बसपा और भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और मुझे उम्मीद दिलाई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई यूथ आने वाले चुनाव में हम विधानसभा ज्वालापुर जिताने का कार्य करेंगे। मुद्दे सड़कों का बुरा हाल है, विकास कहीं पर हुआ नहीं है। आप देख सकते हो कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, आप देख सकते हो कहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, और परिवहन का बहुत बुरा हाल है। आप हमारे घाट क्षेत्र में जाकर देख सकते हो कहीं पे कोई ऐसी सुविधा नहीं। खबर चमोली से है, जहां भाजपा जिला कार्यालय में बिना अनुमति के बैठक करवाने के मामले में कांग्रेस संगठन ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए विशेष उड़न दस्ता टीम ने गोपेश्वर थाने में धारा 144 उल्लंघन मामले में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर बिष्ट समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। खबर लक्सर से है, जहां आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। इसी के मद्देनजर लक्सर में उड़नदस्ता की टीम ने जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की, वहीं मौके पर मौजूद सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बताया कि उपजिलाधिकारी के निर्देश में पुलिस की टीम लगातार जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेकिंग अभियान चला रही है। चुनाव के लिए सभी टीम बनाई है, जैसे कि हमारी जो टीम है FST की टीम है, वो लक्सर में विशेष रूप से जो हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो इस समय जो सरकारी जो संपत्ति है उस पर जो बैनर लगे हुए हैं उन्हें हटवाया जा रहा है, या जो सरकारी संपत्ति है जिस पर कली सया उन्होंने रंग पुताई कर रखी है किसी भी पार्टी ने, उनको भी हटवाया जा रहा है। साथ ही साथ जो गाड़ियों पर झंडे लगे हुए हैं उनको भी उतरवाने का काम किया जा रहा है, और इस दिशा में ही हमारे जो RO हैं SDM लक्सर वैभव गुप्ता जी बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं उन्होंने कि कड़ाई से पालन हो और कहीं भी कोई ढील ना बरती जाए, तो उन्हीं दिशा के निर्देश के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। और आज हम रायसी के नज़दीक हैं चौकी के, और यहाँ चेकिंग अभियान चल रहा है। तो जैसी जो भी सूचना विजिल ऐप के माध्यम से मिलती है उसका निस्तारण करते हैं, या जो भी कोई फ़ोन के माध्यम से या जैसे भी किसी भी स्तर पर कोई सूचना मिलती है तो तुरंत पहुँच के उसका हम समाधान करते हैं, और हम समझते हैं कि जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क हो चुका है, लेकिन कड़ाके की ठंड बरकरार है। मौसम में घना कोहरा देखने को मिल रहा है मैदानों में, और पहाड़ों में पाला मुसीबत बना हुआ है। इसी कारण देहरादून से कई हवाएं सेवा प्रभावित हो गई है, जबकि सड़क परिवहन पर भी कोहरे का व्यापक असर दिखा है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद पाला पड़ने से सड़क पर सफर करना खतरनाक हो गया है। उधर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोल्डर गिरने के कारण 7 घंटे तक यातायात बाधित रहा। मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिन मौसम इसी प्रकार का बना रहने का अनुमान जताया गया है।
उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण दर भी बढ़कर 11.48% तक पहुंच गई है। उत्तराखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की 12,000 से अधिक संख्या हो चुकी है, यानी 12,349 पर पहुंच गई है ये संख्या। देहरादून में सबसे अधिक 5,199 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा नैनीताल में 1,936, हरिद्वार में 2,010 और ऊधम सिंह नगर में 1,091 सक्रिय केस हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए पौड़ी जनपद को मिले अर्धसैनिक बलों के 30 जवानों के कोविड पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। इसके बाद सभी कोविड पॉजिटिव जवानों को कोटद्वार में आइसोलेट किया गया है। इसके अलावा पौड़ी में मौजूद अन्य 75 जवानों में से अधिकांश में कोरोना जैसे लक्षण देखने को मिले हैं। इसके बाद दहशत का माहौल देखने को मिला, इसी वजह से इन सभी को फिलहाल जांच रिपोर्ट आने तक आइसोलेट किया गया है। विकासनगर तहसील के कटापत्थर गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी सौतेली मां को 2 दिन पहले हवस का शिकार बनाया। फिर उसके बाद आरोपी बेटे ने अपनी मां को पीट पीट कर लहू लुहान कर दिया, जिसका शोर सुनते ही गांव के लोगों ने मां को बेटे के चंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। विकासनगर क्षेत्र का मामला है। 13 तारीख को मनोज ने अपनी सौतेली माँ से लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट करी और इतना ज़्यादा मारपीट करी कि हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा उसे। बाद में कल उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। अभियुक्त मनोज को हमने गिरफ्तार कर लिया है और मृतका श्रीमती रोशनी देवी का पंचायतनामा और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। धारा मुख्य धारा इसमें 302 है और तहरीर के आधार पर हमने 376 भी इसमें लगाई है। थैंक यू। क्या नाम है? हंदराम। क्या बात हुई? बात क्या हुई जी? मार दी उसने लड़के ने। किसका लड़के ने? मनोज ने। किसका लड़का मनोज? मनोज संतराम का। तुम्हारा क्या लगता है? लड़का लगता है जी। तुम्हारा लड़का है? हाँ जी। क्यों मारा उन्होंने? पता नहीं, बलात्कार कर रहा था वो रात को। हाँ जी, शाम के टाइम। नशे का आदी है क्या वो? नशा करता है? हाँ जी। हैं? हाँ जी। तुम कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम मैं बैठने जा रखा बाइक से। तो फिर तुम्हें कैसे पता लगा? मैं ऊपर आया जी घर पे, उतने को उनका दम घुट रहा था, मैंने पानी दिया पीने को, थोड़ा सांस आ गया। हाँ जी। ये कौन थी मरने वाली? रोशनी देवी। तुम्हारी घर वाली है? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो क्या यहाँ रिपोर्ट किसने कराई? रिपोर्ट हमने करी। तुमने करी? हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? चाहते अंदर करो। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, तो नहीं इसको दोबारा? नहीं साहब, जमानत कोई नहीं करेगा। जमानत करने जाएगा उसको भी अंदर करो। हाँ जी, यही चाहते हो। नई टिहरी में आज उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने मकर संक्रांति के अवसर पर और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धने ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि ये नया दल है। एक बार मुझे भी विधानसभा जाने का अवसर मिला जिसका मुझको अनुभव है, उसी अनुभव को सम्मिलित करते हुए हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है। आगे कहा कि उत्तराखंड को लेकर की मूल निवास प्रमुख मुद्दा है। हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये नया दल है और मुझे भी एक बार विधानसभा जाने का अवसर मिला, लेकिन वो उन अनुभवों को संकलित करते हुए आज आपके सामने कह सकता हूँ कि हमारा जो घोषणा पत्र है ये उत्तराखंड को लेकर है, जिसमें मूल निवास भी एक बहुत प्रमुख मुद्दा है और इसके अलावा भी सारे प्रमुख मुद्दे हैं। हम अगर जनता का हमको आशीर्वाद मिला और हम जनता से मांग करते हैं कि हमारे जितने भी प्रत्याशी, मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करना चाहूँगा कि मुझे अगर 4 विधायक भी उत्तराखंड की जनता ने दिए, कम से कम अगर 4 विधायक भी, तो ये जो संकल्प पत्र है मैं
अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि ये संकल्प पत्र, ये सरकार का संकल्प पत्र होगा, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन और जो मुद्दे हैं उन पर भी हम यथाशक्ति यथासंभव। हरिद्वार में ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। आपको बता दें कि ज्वालापुर विधानसभा के विधायक सुरेश राठौर ने अपने विधानसभा के गांव दर गांव जाकर अभियान चलाया और कहा कि आने वाली 14 फरवरी को मतदान जरूर करें, और कहा कि जैसा आपने मुझे बहुमत से विजय कराया था, अब की बार फिर मुझे विजय कर दिखाए और जितना पिछली बार विधानसभा में कार्य किया उससे अधिक कार्य करके दिखाऊंगा, जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। 14 फरवरी के चुनाव में जनता को जागरूक करने के लिए, बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। इसमें जैसे मतलब आजकल ये नई नई पार्टियां आ रही, इसको सब सारी पार्टी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारी आती रहती जाती रहती है। बीजेपी का आंकड़ा 60 के पार करने का ज्वालापुर विधानसभा में पहले से 3 गुने मतों से जीतने का है। यूथ चमोली जिले की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लंबी कतारों के कारण प्रत्याशी घोषित करने में अभी भी माथापच्ची का दौर बना हुआ है। इन सबके बीच यहां वामपंथी दलों ने अपने संयुक्त प्रत्याशी के रूप में भाकपा माले के तेज तर्रार और जन आंदोलन में मुखरता से अपनी मजबूत भागीदारी करने वाले गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष इंद्रेश मैखुरी को मैदान में उतारा है। बता दें कि इंद्रेश मैखुरी इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में कर्णप्रयाग से वामपंथ के प्रत्याशी रहे थे। हमारी ये कोशिश है कि विधानसभा के भीतर जनता के आंदोलनों, जनता के संघर्षों की आवाज पहुंचे। पिछले 20-21 सालों में बारी बारी से सत्ताएं बदलती रही, लेकिन उत्तराखंड के जो सवाल हैं, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल, रोजगार का सवाल, जल जंगल जमीन पर अधिकार का सवाल, स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाए जाने का सवाल, यहाँ के मजदूरों, किसानों, दलितों, अल्पसंख्यकों के जो मसले हैं, वो तमाम सवालों की गूंज विधानसभा के भीतर नहीं सुनाई देती है। इसलिए हमारी कोशिश है कि सड़क के संघर्षों की आवाज़ विधानसभा में पहुँचे, विधानसभा में एक क्रांतिकारी विपक्ष का निर्माण हो, इसलिए इस चुनाव में हम हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।